हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हेल्दी रिफ्रेशिंग स्मूदी। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। हेल्दी स्मूदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स में मैंने लिया एक बनाना, एक एप्पल लिया मैंने और एक कीवी लिया। कुछ नट्स लिए मैंने गार्निशिंग के लिए। 2 छोटे चम्मच मैंने हनी के लिए और 250 ग्राम के करीब मैंने दही लिए और 2 छोटे चम्मच मैंने रूह अफ़ज़ा के लिए। पहले हम फ्रूट्स को काट लेते हैं। ये मैंने फ्रूट्स काट लिए, इसको मैं जार में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब थोड़ी बीच में दही ऐड कर देते हैं। अब जो बाकी की दही है वो भी हम डाल देंगे और हनी भी डाल देते हैं। ये रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं। और अब इसको फिर से चला देते हैं। अब इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देते हैं ताकि एकदम चिल्ड स्मूदी बने हमारी। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी चिल्ड एंड रिफ्रेशिंग स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको नट से गार्निशिंग कर देते हैं इसकी। ये आप अपने मनपसंद के नट्स ले सकते हैं। अगर आपकी स्मूदी थोड़ी थिक है तो इसको आप डाइल्यूट कर सकते हो, थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हो या आइस थोड़ी और डाल सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।